लॉकडाउन के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं और एटीएम के माध्यम से ग्राहकों को नकदी उपलब्ध कराने के साथ साथ अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को स्टेट बैंक की अपनी नई मोबाइल एटीएम सेवा का शुभारंभ जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने फीता काटकर उद्घाटन किया और झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि इस सेवा के तहत स्टेट बैंक अपना पहला मोबाइल एटीएम लॉन्च किया है। ये एटीएम शहर के ऐसे सभी इलाकों में जाकर अपनी सेवाएँ देगा जहाँ एटीएम सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं या जहाँ ग्राहकों को नकदी की आवश्यकता है। वहीं स्टेट बैंक के डीजीएम पीसी बरोड ने बताया कि आने वाले दिनों में इसकी मांग को देखते हुए मोबाइल एटीएम की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। शनिवार को मोबाइल एटीएम की सुविधा का शुभारंभ डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन द्वारा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्टेट बैंक के डीजीएम पीसी बरोड और जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, बाकी लोग हम लोग कुछ आप जहाँ बता देंगे, हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो माइग्रेंट्री लोग आ रहे हैं ना उसी के हिसाब से उन लोगों को प्रशासन जो हमें बता देगा और जो गैप होंगे ना उसमें हम अपना एक रूट रखेंगे ताकि अगर ना कहीं रहे हर जगह एक घंटे दो घंटे से चार चार घंटे कहाँ जो और छुट्टियों के दिन में भी ये रिफिलिंग देख लीजिएगा ताकि वो हमारा जो मोबाइल जो है किसी के पास कार्ड है भाई, पैसे ऐसे निकलना है रामाडर जी तो एक ट्रांजेक्शन कर बटन को सैनिटाइज करो निकल लीजिए तो राकेश सर ये ज्यादा पैसा है क्या और तो कुछ सोच रहे लॉकडाउन शुरू हुआ था तो माननीय डीएम साहब ने एक इच्छा जाहिर की थी कि इस गोरखपुर में भी ऐसा एक सुविधा होनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों के पास में जाके कैश की सुविधा दी जाए और उसी के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। ये मोबाइल एटीएम फैसिलिटी है वो लोगों को घनी बस्ती में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाके सुबह 8 से रात को 8 बजे तक 365 दिन साल में सुविधा देंगे और प्रशासन ने इसमें बहुत सहयोग दिया है तो मैं इसके लिए आभारी हूँ माननीय डीएम साहब का और हम प्रशासन के साथ में मिलके जहाँ ज़रूरत होगी इसका वहीं पे हम प्लांटिंग करके और लोगों को कैश की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। एक तरफ से एक अनेक पहल है, गोरखपुर इतिहास में पहले बार एक मोबाइल एटीएम प्रारंभ किए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट हेड है, उन्हीं के माध्यम से पहल की गई है, किसी का अलग डिज़ाइन करा करके मंगाया गया है। प्रदेश में कहीं गिने चुने जगह ये सुविधा है
अभी हम लोग आज इसको प्रारंभ किए हैं, ये जो प्रशासन SBI प्रशासन के जोर से उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। एक समय में ये 50 लाख तक का उसको अंदर का कैश की कैपेसिटी है, उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। खासतौर पे हमारा जो लोग बाहर पैदल आ रहे हैं लोग और माइग्रेटरी लोग, किसी का जो इस समय में पैसा का किल्लत है, कहाँ ATM का और बैंक सुविधा नहीं है, उसी लोकेशन पे हम लोग उसको खड़ा करेंगे। उसको पूरा रोस्टर बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रशासन के तौर से हम लोग का ये भी अनुमति मिला है। 365 दिन यानी रोज़ाना ये चलेगा और अलग अलग लोकेशन में जनता की ज़रूरत के हिसाब से ये बढ़ेगा। इसी पहल का सभी लोग फ़ायदा उठाएं और इसके सुरक्षा का हमेशा एक गार्ड भी लगे हुए हैं और अंदर सैनिटाइज़र इत्यादि और सोशल डिस्टेंसिंग के भी हम लोग ध्यान रखते हुए उसको चलाएंगे। इसी का अनेक पहल है, इसको आप भरपूर फ़ायदा आप उठा लीजिएगा और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रशासन को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से धन्यवाद देता हूँ।